चैलेंज हाँ इफ इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट बाय द बायर, क्योंकि ये एक्ट है राइट, तो इट कम्स अंडर लीगैलिटी इनफोर्सिएबिलिटी। पेबल टू ऑर्डर और बेयरर, यस ऑर्डर में देर इज ए नेम, मैं ऑर्डर का बता दूँ। बेयरर में जो एक नेम आपने मेंशन किया दैट इज स्पेसिफिक नेम, बेयरर एनी वन एनी पर्सन। जब आप किसी को भी पेमेंट करते हो बेरर के नाम पे, तो बेरर में ये अकाउंट पे ही नहीं होता, कोई भी नाम लिखा है वो कोई भी पर्सन जाके उसको निकलवा सकता है। चेक जैसे मैंने मान लीजिए दिया दीपक को, अगर मैंने अकाउंट पे ही नहीं किया है तो दीपक के फादर जा सकते हैं या उसकी मदर जा सकती हैं, उसकी सिस्टर, उसकी फ्रेंड, कोई भी जा सकता है। बेरर का मतलब है एनी पर्सन कैन हैव दैट चेक एंड गेट द पेमेंट। जब ऑर्डर की बात है तो इट इज़ लाइक ए मोर सेफ नेम विद अकाउंट नंबर विद दीज लाइन्स, सो इट इज़ लाइक ऑर्डर। जिसको दिया है बस वही निकलवा सकता है और कोई नहीं निकलवा सकता पेमेंट, राइट? इज इट क्लियर? यस मैम। प्रिजम्पशन एज ए होल्डर, यस। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तब तक आप कर सकते हो ट्रांसफ़र जब तक एक्सपायरी डेट नहीं आ जाती, तो होल्डर जो भी होगा उसको कंप्लीट होल्डर तब तक नहीं मानेंगे जब तक एक्सपायरी डेट नहीं आई। उसको क्या बोलते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स, कि वो भी आगे पास कर सकता है। जब तक एक्सपायरी डेट नहीं आ जाती तो हर होल्डर को ये नाम दिया जाएगा, एवरी होल्डर इज गिवन दिस नेम। क्यों? क्योंकि वो आगे ट्रांसफ़र कर सकता है, वो रुकने का उसका वो नहीं है कि वो रुक जाएगा। जब तक एक्सपायरी डेट नहीं आ जाती एवरी होल्डर इज ट्रीटेड एज होल्डर इन ड्यू कोर्स, यानी कि वो होल्डर है कुछ टाइम के लिए, वो आगे पास कर देगा तो वो नेक्स्ट वाला पर्सन भी होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा, फिर उसके नेक्स्ट वाला भी होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा। एट द एंड ऑफ एक्सपायरी डेट जिस पर्सन के पास डॉक्यूमेंट है उसी को सिर्फ होल्डर बोला जाएगा। बीच के जितनी भी पार्टीज हैं, जैसे कंपनी ने मान लीजिए चेक दिया, तो चेक जो है इस तरीके से पास होता है जैसे कंपनी की चेन है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लुक एट दिस, दिस इज कंपनी। कंपनी हैज गिवन अ चेक टू होलसेलर, होलसेलर ने आगे पेमेंट करनी होती है, उसने पे कर दिया रिटेलर को, रिटेलर ने आगे पेमेंट करनी होती है, उसने कर दिया फ्रेंचाइजी को, फ्रेंचाइजी ने आगे पेमेंट करनी होती है, मान लीजिए उसने कर दिया शॉपकीपर को, और लास्ट में शॉपकीपर के पास है वो चेक। कंपनी ने जो ट्रांसफ़र किया ओरिजिनली, दिस इज़ कॉल्ड डिलीवरी एंड दिस पर्सन इज़ कॉल्ड होल्डर इन ड्यू कोर्स। होलसेलर ने जो दिया रिटेलर को, दिस इज़ कॉल्ड ईएनडी, मैंने जैसे आपको बताया, एंड रिटेलर भी क्या कहलाएगा, अगेन वही टर्म होल्डर इन ड्यू कोर्स। यानी कि होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब है ये आगे पास करते रहेंगे। इट इज़ प्रिज्यूम्ड, हम मान के चलते हैं कि नेगोशिएबल पास होता रहेगा, बिकॉज बिजनेस में क्रेडिट इज़ नॉट लिमिटेड टू वन पार्टी, रेदर इट इज़ अनलिमिटेड। उधारी से रॉ मटेरियल लिया, बनाया सामान, उसके बाद तैयार किया, उधारी से डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर से अमाउंट आएगा, रॉ मटेरियल को देना है, तो कहीं ना कहीं वो उधारी सिस्टम इज़ समवेयर कनेक्टेड टू मैनी चेन्स, रॉ मटेरियल, लेबर, सुपरवाइजर, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, राइट? तो ऐसे जब पेमेंट इतनी सारी क्रेडिट हैं तो ये जो पेमेंट करते जा रहे हैं ये क्या कहलाएंगे, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी और होल्डर इन ड्यू कोर्स। यानी कि जब तक लास्ट में अगर इसी के पास सारा चेक है तो दिस इज कॉल्ड होल्डर, वो भी तब जब एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी, ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, अदरवाइज एवरी पार्टी इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समबडी प्लीज स्पीक अप। यस मैम। ओके यस ओके मैम। ओके, राइट राइट। लास्ट इज प्रिजम्पशन एज टू कंसिडरेशन। एनी कॉन्ट्रैक्ट इज लीगल विद द हेल्प ऑफ दिस। कुछ ना कुछ तो देनदार होगा ना, कुछ अमाउंट होगा, तभी तो ये कॉन्ट्रैक्ट बना है। सो इट इज एग्जैक्टली मेड
फॉर सम कंसिडरेशन।